ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मदन हुसैन है और मैं पाक मिल्की मशीन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। ये व्यूअर्स, आज मेरी स्पेशल वीडियो मशीन के बारे में है कि इस मशीन का दूध निकालने के हवाले से क्या फ़ायदे हैं, फार्मर इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, जानवर को कितना फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको मशीन के बारे में बताऊँगा कि इस मशीन का क्या काम है, ये दूध कैसे निकालती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कि ये चार निप्पल वाली मशीन गाय का दूध कैसे निकालती है और कितनी स्पीड से निकालती है। फिर मैं बाद में आपको इसकी प्राइस बताऊंगा, कीमत बताऊंगा। ये चार निप्पल पर मुश्तमिल मशीन है, इसकी फ़िटिंग मैंने कर दी है। फ़िटिंग की जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, पाक मिल्की मशीन पे। इसकी सारी ऐसे जब फिटिंग हो जाती है तो फिटिंग के बाद इसका प्रेशर वगैरह सेट हो जाता है। ये मशीन आम बिजली से भी चलती है, 220 वोल्ट पर चलती है जो घर की बिजली है, बैटरी पर भी चलती है। आप मोटरसाइकिल की बैटरी से चला सकते हैं, कार की बैटरी से चला सकते हैं, ट्रैक्टर की बैटरी से चला सकते हैं, सोलर प्लेट से चला सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये मशीन हर किस्म के इलेक्ट्रिसिटी, हर किस्म के करंट से ये चल जाती है, बहुत ही कम करंट लेती है। फिर उसके बाद इसकी आवाज़ और शोर बहुत कम है, बिल्कुल आवाज़ ना होने के बराबर है। साइज में बहुत छोटी है, लेकिन इसका प्रेशर जो आम मार्केट में बड़ी मशीनें हैं उनसे भी ज़्यादा है। ये गाय की भी मिल्किंग करती है। आप एक वक्त में, ये चार निप्पल पर मुश्तमिल ये मशीन है, एक वक्त में आप एक जानवर, एक चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसकी आप आसानी से मिल्किंग कर सकते हैं। टाइम इसने उतना लेना है, 4 से 5 मिनट में इसने मिल्किंग करनी है। और मोटरसाइकिल की बैटरी के साथ कुछ कस्टमर का ये सवाल होता है कि मोटरसाइकिल की बैटरी के साथ ये कितना टाइम देगी, तो ये मशीन हमारी मोटरसाइकिल की बैटरी के साथ 5 गाय हो 5 जानवर हो ये 5 दिन सुबह शाम 5 दिन मिल्किंग करे, ये 5 दिन आसानी से ये मिल्किंग कर लेती है एक बार चार्ज होने पे। ये इसको आराम, इस यही तरीका है, इसको आराम बैटरी से भी आप चला सकते हैं। फिर इससे दूध साफ और शफाफ आता है, इससे दूध साफ और शफाफ आता है। डायरेक्ट जब जो निप्पल जानवर के थन को लगते हैं, डायरेक्ट वो दूध थन से निकलता हुआ, निप्पल से होता हुआ बाल्टी में दाखिल हो जाता है। कोई किसी किस्म का जरासीम नहीं होता, कोई किसी किस्म का गोबर वगैरह दूध में शामिल नहीं होता। और ये इस बाल्टी हमारी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बाल्टी है। फिर जब जानवर के बाद कस्टमर का सवाल ये होता है कि जानवर को जब ये निप्पल लगते हैं, जानवर को कोई नुकसान या कोई परेशानी तो नहीं होती, तो ये जो निप्पल जब जानवर को लगते हैं, जैसे अब हम हाथ से दूध निकालते हैं, हाथ से भी वही प्रेशर देते हैं। ये पूरी यूरोपियन कंट्री में मशीन का ही इस्तेमाल हो रहा है, मशीन से ही दूध निकाला जा रहा है, बल्कि इससे जानवर ज़्यादा पुरसकून और आराम दे रहता है, इससे जानवर का दूध में इजाफा हो जाता है। अब जो आप रिसर्च करें कि यूरोपियन कंट्री में जो मशीन के साथ दूध निकालते हैं, और वो ममालिक, वो इलाके जो मशीन के बगैर जिनका दूध निकाला जाता है, उनमें जो थन की बीमारियाँ हैं उन ममालिक में ज़्यादा है जो बगैर मशीन के दूध निकालते हैं। इसके अंदर वाइब्रेशन सिस्टम है, सिलिकॉन के पाइप लगे हुए हैं, और जानवर के थान के साथ जैसे ही लगते हैं, चाहे जो उसके जो जानवर का निप्पल है जिस मर्जी साइज का हो, चाहे वो छोटा हो, दरमियाना हो, बड़ा हो, एक उंगली के पोर के बराबर भी हो, तो ये इसकी हथेली में लग जाएगा, उसके हवाने में लग जाएगा निप्पल। जब मोटा होगा तो उसके शुरू में लग जाएगा। यदि कि हर किस्म के जानवर के निप्पल के साथ, थान के साथ, ये आसानी के साथ ये मशीन चिपक जाती है और दूध निकलना शुरू हो जाता है। साथ ये प्रेशर कंट्रोलर है कि आप इस प्रेशर, हर एक जानवर का अपना प्रेशर कंट्रोलर होता है, अपना प्रेशर होता है, तो आप इस प्रेशर कंट्रोलर के ज़रिए से इसको काम ज़्यादा करके हर जानवर को उस प्रेशर के मुताबिक आसानी से दूध निकाल सकते हैं। और मुसलसल 1 माह यूज़ करने के बाद इस जानवर का जो 5 लीटर दूध है तो वो 6 लीटर हो जाता है, दूध में इजाफा हो जाता है। तो मशीन के इस्तेमाल करने से आपका वक्त बचता है, कि अगर आपका एक बंदा दूध भी निकालता है, चारा भी काटता है, तो आप इस मशीन से एक तो वो उसके अंदर थकावट नहीं होगी, आसानी से मशीन का इस्तेमाल करके आसानी से दूध निकालेगा। एक जानवर हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो,
सुबह से लेकर शाम तक इसकी मिल्किंग करें, मशीन को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। एक साल की कंपनी की तरफ से वारंटी है। फिर आपका वक्त बचता है, फिर आपका पैसा बचता है। जहाँ आपने तीन लेबर लगाए हुए तो वो तीन लेबर की बजाय दो लेबर आप अपने चारे पे लगाएं, उसको किसी और इस्तेमाल में लगाएं, तो ये एक आम अनजान आदमी भी इस मशीन के थ्रू, बच्चा भी एक अनजान आदमी भी इस मशीन के थ्रू जानवर की बहुत ही आसानी से मिल्किंग कर लेगा। तो ये मेरी वीडियो इससे मुतल थी कि मशीन को कैसे, इसका फ़ायदा क्या है, इसका रिजल्ट कैसे आता है। फिर उसके बाद मैं आपको ले कर चलता हूँ, अब मशीन की गाय के साथ मिल्किंग करने से इसका दूध कैसे निकलता है। आज चलते हैं कि इसकी गाय की मिल्किंग करते हैं। शुक्रिया। ठीक है। हाँ ओके।